मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम रशीद कंपाउंड बरकत पार्क में, और आपको बता दें कि हमने आपको खबर दिखाई थी इस रास्ते के लिए कि जो यहां पर क्राउन डेवलपर्स की तरफ से जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है, दरअसल जो उस तरफ है रहमत चौल और इकबाल कॉलोनी के लोग हैं, उन लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ से जो है रास्ता था, उन लोगों का आना जाना यहाँ से हुआ करता था, और बहरहाल जो है ये जो है यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया और बिल्डिंग का काम यहाँ पर जो है शुरू किया गया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अब बात जो सामने आ रही है कि बरकत इन्वेस्टमेंट ग्रुप की ये ज़मीन है और वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि जो बिल्डर हैं अफजल, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने भी इस ज़मीन को प्राइवेट बताया था और रास्ता ना देने की बात की थी। हम बात करेंगे इम्तियाज भाई से, जो इस ग्रुप के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह से इस रास्ते को लेकर पूरा विवाद यहाँ पर चल रहा है, लोग जो है रास्ता मांग रहे हैं, और आप लोगों का कहना है कि ये ज़मीन जो है आप लोगों की प्राइवेट ज़मीन है, हम यहाँ से रास्ता नहीं देंगे। जी पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सोसाइटी की जगह है और सोसाइटी और बैतुल नसर जो बैंक है और बरकत इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ये उन लोग की जगह है। और ये जो जगह पे समझ लो 5 घंटा जो जगह ना, ये इकबाल कॉलोनी वाले लोग उसमें मतलब हमारी जगह पे आ चुके थे, तो उस वक्त बैतुल नसर में कोई था नहीं, इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। तो अब कैसा है कि ये जो जगह है, अभी रास्ता वगैरह हम लोग अपनी हद बांधना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ने ये रास्ता पैक करने का बोले हैं। अब ये बिल्डर को हम लोग ने हमारी तरफ से सोसाइटी की तरफ से हम लोग ने इनको कहा था कि ये जब हमारी जो हदबंदी है वो करो, क्योंकि हमको ये हदबंदी करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारी कहाँ का जगह है। अब वो जब पहले तोड़ के उन लोग ने क्या किया, हमारी जगह पे बिल्डिंगें बना ली है। अब ये सब चीज़ें हमारी, हम लोग चाह रहे हैं ना पैक करके हमारा रीडेवलपमेंट हो, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर हदबंदी की है और आगे भी गेट वगैरह सब लगा है। आज उस तरफ के जो लोग हैं उनका कहना था कि वो काफ़ी सालों से यहाँ से उनका रास्ता था, आना जाना हुआ करता था, लेकिन अब जो है इस रास्ते को बंद किया गया है। आप अपनी ज़मीन इसे बता रहे हैं, कुछ आपके पास दस्तावेज प्रूफ वगैरह हैं? जी जी, हमारे पास है सब प्रूफ वगैरह। और ये क्या है ना, हमारी जो जगह बना के भी 35 साल हो गया है, 30-35 साल हो गया है हमारे को, और दूसरा के वो लोग जो बोल रहे हैं ना 40 साल से, तो वो खुद 10-12 साल हुआ है बिल्डिंग बन के उनको। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ये जो नक्शा आप देख रहे हो उस पर 7-12 पे, ये जो नक्शा दिख रहा है ये इकबाल कॉलोनी है, और ये जो हमारी जगह पे ये देख रहे हो आप, इसमें से इधर लोग ने इतना अंदर घुस गए हैं। हम अपनी हदबंदी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और हमारी प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड है, इसके लिए हम लोग अपना हदबंदी करना चाह रहे हैं कि भाई हमको यहाँ पे हमको बिल्डर को भी रीडेवलपमेंट के लिए देना है, तो हमको बताना पड़ेगा हमारी कौन कौन सी जगह पे है, क्या क्या जगह है हमारी। तो इसके लिए हम लोग ने बिल्डर को रिक्वेस्ट किए थे। दूसरा के ये कचरों का जो ढेर बता रहे हैं ना, ये कचरों का जो ढेर है ये उन लोग ने ही कचरा सब फेंक फेंक के यहाँ पे इतना जमा किए थे, तो आज ये बिल्डर को बोल के हम लोग साफ़ करवा रहे हैं, ये सब हटवाने का बोले थे, इसके लिए वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, वहाँ पर काम चालू है। और दूसरा हम लोग ने यहाँ पर प्राइवेट लैंड होने की वजह से गेट भी आगे लगवा दिया, के बाद जो बरकत की सिर्फ गाड़ियाँ भी आएगी, स्टिकर वगैरह उनको दिया जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा था पहले कोई भी आके ना गाड़ी पार्क करके जा रहा था यहाँ पर, तो बहुत इसमें नशा करने वाले और सब बहुत फालतूगिरी बहुत हो रही थी, इसके हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो भी रहेगा एंट्री रहेगी वो गाड़ियों की, जो हमारे बरकत वाली ही सिर्फ गाड़ी, यानी कि आप सोसाइटी, ये जो बरकत सोसाइटी है ये चारों तरफ से आप पैक कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे के साइड के लोग हैं उन लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें थोड़ी सी पतली सी जगह दो आने जाने का। इतने साल हम लोग ने उनको, जो यहाँ के स्थानीय रेहान पीतल वाले हैं समाज सेवक, उन्होंने वैसा बिल्डर से रिक्वेस्ट की थी कि दे दीजिए रास्ता। जी बात ठीक है, पर अभी हमारा अगर आप दे सकते हैं उन्हें रास्ता, नहीं अभी रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है, अब समझ लो आप भी देख रहे हो यहाँ पे, हम लोगों को भी नोटिस आया, हम लोग ने डीविंग को भी खाली करवा दिए, और जल्दी अभी अपना काम शुरू हो जाएगा, तो अब तो फिलहाल तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रक वगैरह आएंगे जाएंगे सब, यहाँ पे कोई हादसा नहीं हो,
किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, तो वो सेफ्टी के लिए मतलब वो तो बंद करना ही पड़ेगा ना। अब उनके पीछे से रास्ता है तो वहाँ से आए जाए, वो कर सकते हैं ना, उनके लिए टेम्पररी है, 2-3-4 साल की बात है, तो वो करना चाहिए उनको अपने हिसाब से, तो वो पीछे से आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो भी है। 2-3 साल के बाद मतलब कैसा कि 2-3 साल बाद आप देंगे क्या? मतलब ये क्या बात, रास्ता तो हम नहीं देंगे, पर 2-4 साल की बात ये है कि भाई रीडेवलपमेंट होगा तो उनका भी शायद आगे चल के उनका भी हो, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनको भी तकलीफ है आगे चल के, वो भी रीडेवलपमेंट में जाएंगे, अगर उनका भी कुछ अगर बिल्डर से कुछ बात होती है आगे चल के कुछ होता है, तो वो उनको उनको भी फ़ायदा होगा आगे चल के, अपना भी रीडेवलपमेंट जैसा हो रहा तो अपना एक एरिया सुधर रहा है, वैसे हो सकता है कि आगे उनका भी सुधरे। जो चौल के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि काफ़ी सालों से उनका यहाँ से आना जाना था, अब यहाँ पर जो है बिल्डिंग का काम चालू हो चुका है और ज़मीन प्राइवेट बताई जा रही है, तो आप लोग क्या कहेंगे? हमारा ये कहना, जितने साल वो बता रहे उतने साल की तो बरकत भी नहीं बनी हुई है, 93 की बरकत बनी हुई है, तो उसके पहले 40 साल पहले कहाँ से आ गए? और ये दीवार हमारी पूरी बनी हुई थी, उन्होंने लोग ने तोड़ के अपनी हठधर्मी से करे, जो चलो उनको एक्सक्यूज़ दे दिए, तो अब हमारा अच्छा कुछ हो रहा तो हमारे पीछे उनका भी अच्छा, अल्लाह करे उनका होए, तो ये नहीं कि बस हमारे ऊपर मतलब कोई बुला लो, यानी जो सोसाइटी है ये बरकत सोसाइटी, ये नहीं चाह रही कि वहाँ के लोगों को रास्ता दिया जाए। बिल्कुल नहीं, सोसाइटी बिल्कुल ही नहीं चाहती, और वो बड़ी भी जो उन्होंने कहा है 40 साल तो अभी इसका भी नहीं हुआ, 27 साल तो हुए, मतलब बरकत का भी 93 में अलर्ट हुआ है, तो कैसे बोल रही है? और फिर अब जो रास्ते की बात कर रहे हैं, रास्ता तो ऐसा है, रास्ता और जब बैतुल नसर बंद हो चुकी थी उसके हिसाब से वो उन लोगों की जमीन ऐसी पड़ी थी, अभी वो जो है बेच रहे हैं या बिल्डर को दिए हैं, बिल्डर बना रहे हैं, हमारा भी हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही थी, अभी सोसाइटी वालों ने सोचा कि हमारी बिल्डिंग रीडेवलप हो, तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है, तो अब ये हमारा काम चालू हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम रास्ता देंगे, कल को कोई कुछ हो गया तो किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर आएगी जिम्मेदारी, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ये रास्ता बंद किया है, कल को ऐसा ना हो कुछ हादसा हो हमारे ऊपर हो। और देखा जाए तो बैतुल नसर की ही जमीन है, मैं सोचती हूं उनकी प्राइवेट जमीन है, कोई किसी का इस पर हक नहीं है, और अभी हम लोग बिल्डर ने बना लिया, उसकी मर्जी, वो तुम्हें रास्ता दे या ना दे, और इतने साल से तुम लोग जब अयाज बिल्डर ने बनाया था तुम लोग उस टाइम कहाँ थे, तुम्हारे संडास बात हम लोग सालों से बर्दाश्त कर रहे थे, अब उसकी चीज़ अगर वो दे या ना दे तुम्हारी दादागिरी नहीं है, और रास्ता हम लोग आज जो घर से बेघर हो गए, हम लोग बिल्डिंग की हालत भाड़ा भर भर हम लोग जान निकल रही, और आज हमें इस बिल्डिंग में रहते हुए 30-31 साल हो रहे, 88 से ये बिल्डिंग बनी है, और 91 में हम अपने 2 महीने का 1.5 साल के बच्चों को लेकर, जब ये कुछ भी ना, ट्रांसफार्मर सिर्फ हम लोगों का है, चारों विंग का किसी का नहीं है, हम लोग लिए बैतुल नसर वालों ने MH खटखटे लगाया तो उसका सब ने फ़ायदा उठाया, ये ज़मीन जो थी बाउंड्री थी पूरी, फिर वो काथोरी लोग रहते ना वो सब रहते थे, उन लोगों ने तोड़ तोड़ के अपने घरों में ईंटें ली, उसके बाद फिर रोड हो गया, इन लोगों का बिल्डिंग जब बनी, जब भी हम लोग बोले थे कि देखो तुम्हारे संडास पेशाब पानी आ रहा है, हम लोग जब बनाई तो तुम लोग कहाँ जाओ, नहीं सुना, अब आज जब हम लोग बन रहा है तो तुम लोग क्या रास्ता दो, क्यों दो रास्ता भाई, तो हम लोग हमारे बिल्डर की, और आज हमारे बिल्डर को किसी सता को तो हम लोग चुप बैठेंगे, भाई हम लोग प्रॉपर्टी है, और उनका कहना ऐसे इतने साल से क्यों नहीं बनाए, कोर्ट में केस था, जब केस हो हमारे बिल्डर ने पैसा भरा, उसकी चीज़ है, हमारे बिल्डर की चीज़ है, किसी की बाप की नहीं है कि तुम दादागिरी तुम्हारे, तुम रेहान को लाओ राजू लाओ, अरे वो लोग क्या, वो अपने दे गई, तुम्हारा हम लोगों का आपस का मामला है, हमारी ज़मीन हमारी मर्जी, हम दें या ना दें, तुम्हारी कोई दादागिरी नहीं, प्यार मोहब्बत इंसान, वो लोग दादागिरी नहीं रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा उसने कि देना ही पड़ेगा, अरे क्यों देना पड़ेगा भाई, हमारी अभी तुम खाना खा रहे प्लेट भर के, तुम्हारे छिड़ तुम्हें दे दोगे, पहले पूरा अपना पेट भरोगे, बोलते हैं कि बिल्डर को बोलते हैं, पहले सुन लो, बिल्डर को क्या बोलते हैं कि बोले उसके बाप को देना पड़ेगा, हम बोले इकबाल बिल्डिंग के दोनों विंग के बीच में रास्ता बनाए, हमको भी चाहिए दोनों बिल्डिंग तोड़ो, बोलो रास्ता देने को, चन्नी पाड़े से रास्ता, इकबाल बिल्डिंग में 2 रास्ते है ना, भाषा बीच का रास्ता हम लोग को चाहिए, दो तोड़ कर दो ना, पीछे से कितने चाले हैं लड़के, तोड़ कर दो, हमको चाहिए, जिसे तुम दादागिरी कर रहे चाहे हम भी कर रहे, और इकबाल बिल्डिंग में हमारा पूरा हिस्सा गया है, जब तलोजा से बिल्डर लोग आए थे हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारी हद जहाँ तुम वहाँ से दीवार उठा लेना, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ बना रहे, उन्होंने भी जगह हड़प ली, अब भाई कुछ साल पहले टूट गया था, 12 साल हुआ टूट गया, सब आने जाने लगे, तो अब हमारी चीज़ हम किसी को बनाने दिए तो हमारी चीज़ हम लेंगे नहीं, तो तुम्हारे दादागिरी 40 साल हो गए बन के, बिल्डिंग बन के 30 साल नहीं हुआ और 40 साल हो गए, कुछ ईमान है क्या नहीं, कुछ जज्बात है क्या नहीं,
खुदा का खौफ है क्या? नहीं, मरने के बाद ना जगह तंग हो जाएगी, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। और रहा साल दूसरा, रात को आधी रात को 2 बजे यहाँ लाइन से गाड़ियाँ खड़ी करती, लड़कियाँ उतार के लेकर जाते, लेकर आते, यहाँ बैठ के नशा पानी करते। हाँ, कुछ भी होता है, हमारी बिल्डिंग में स्पेशल वाले आते हैं, बरकत बी में आते हैं, बी में आते हैं। नाम किसका, एड्रेस किसका लिखाते? बी वांग बरकत पार का लिखाते। हम यही झेलते रहे। हाँ, माल लेने जाएंगे इधर पूछेंगे बटन मिल रहा है क्या, नट मिल रहा है क्या। अभी पता नहीं उनकी लैंग्वेज कैसी है, नट और बटन किसको बोलते। हमारा मोहल्ला बदनाम कर दिए, यहाँ आके लड़ते, वहाँ से लड़ते लड़ते आते यहाँ पर आके लड़ते। जब एड्रेस लिखाते तो बरकत पार का, क्यों हम झेले? और बिल्डर बिल्डर को क्या बोलते है के बोले उसने गरीबों की हाई लिया। क्या लिया गरीबों की हाई, बताओ ना क्या लिया? उसने जगह लिया उसकी, फिर भी उसकी जगह आगे चले गई, छोड़ दे। वो गुंडा है कि तुम गुंडे हो? और राजू और रिहान भी क्या करेंगे, वो भी इंसाफ से बात करेंगे ना। रिहान के पास इन लोग ने गए थे, हम लोग भी गए। रिहान ने क्या बोला, ठीक है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो रिहान ने बोला एक इंसानियत के नाते जगह दे दो। तो हमने सारी बात रखे चर्सियों की, तो रिहान ने बोला इस मामले में मैं नहीं आऊँगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। रिहान ने भी यही बोला है। अभी हम लोग ने टीएमसी के लिए दिए है, तो टीएमसी के लिए तो क्लियर जगह चाहिए ना भाई। हम हमारी जगह पे दीवार उठा रहे ना, किसी की जगह पे तो नहीं उठा रहे। और इनको जो बात करना, जो बोले 40 साल 50 साल, उनको लेकर आओ सामने बात करते, पेपर शो करो, पेपर लाओ पेपर। और जितने पुराने लोग हैं उनसे पूछो आप, सब तो जान दो। राजू रिहान से पूछो ये बाउंड्री थी या नहीं थी। अभी हमारी बाउंड्री बेटा टूट गई, अभी हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी। हम भिखारी थे, फकीर थे, जो भी थे, नहीं थी। अब भाई कोई मसीहा बन के हमारे पास आया तो हमारी जगह हम मांग रहे, पूरी जगह घेर रहे, तो इसमें गुनाह क्या की हमने? रास्ता देने को हम लोग, तो आपने सुना कि जिस तरह से जो रास्ते की मांग हो रही थी, बहरहाल जो बरकत ग्रुप है उनका कहना है कि ये जमीन जो है उनकी अपनी प्राइवेट जमीन है, इसलिए ये लोग रास्ता जो है देने को राजी नहीं है। बहरहाल जिस तरह से यहाँ के लोगों ने, जो बरकत सोसाइटी के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि हम यहाँ से किसी भी तरह से रास्ता नहीं देंगे। और ख़ास तौर पर इन लोगों का कहना है कि कुछ भी घटनाएँ होती है नशा को लेकर या और भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम बरकत पार का ही सामने आता है, क्योंकि जबकि बरकत पार के लोग अगर हो या ना हो, नाम बरकत पार का ही आता है। ख़ास तौर पे आपको बता दें कि जो ये बरकत पार सोसाइटी है, अब चारों तरफ से यहाँ पर गेट लगाया जा रहा है, और ये बिल्डिंग जो क्राउन डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग का भी काम चालू किया गया है, और ये रास्ता जो यहाँ से रसीद कंपाउंड में जाने का रास्ता था, इसे भी बंद किया गया है। और जो बरकत इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ये ज़मीन उनकी है, और बहरहाल ये रास्ता देने के लिए राज़ी नहीं है। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।